नाज़रीन आदाब, मैं सैयद नूरुद्दीन और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। शहर हैदराबाद चार मीनार के दामन मक्का मस्जिद से मिलाद जुलूस बड़ी ही जोश खरोश के साथ निकाला गया। शहर हैदराबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब CV आनंद IPS और साउथ जोन DCP जनाब साई चेतनिया IPS ने इस जुलूस में मौजूद तमाम आशिकान रसूल को मुबारकबाद पेश की। इस जुलूस में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। प्यारे नबी पाक हुजूर अकदस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नारे लगाए और अपनी खुशी का इजहार किया। आइए देखते हैं इस जुलूस के कुछ खूबसूरत मंज़र। والعاقبت للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد ناظرین اکرام بہت ہی مبارک اور خوشیوں بھرا موقع ہے ولادت پاک راجدار کائنات حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہیں مرکزی जुलूस कमेटी के कायम करदा स्टेज मक्का मस्जिद हैदराबाद के पास से आपसे मुखातिब हूँ और जुलूस की रवानगी हो रही है। उस्ताद खानी रसूल का एक जन्म गफूर है जो उमड़ पड़ा है सरकार के इश्क में मोहब्बत में यहाँ पर और रवा दवा है अपनी मंजिल की जानिब। उनकी मंजिल सिर्फ यही नहीं है बल्कि उनकी मंजिल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस है। इसके पीछे जो राज है वो यही है कि मोहब्बत रसूल के तकाज़ों को हमारी उम्मत मोहम्मदिया के अफराद पूरे करते नजर आ रहे हैं और ये अल्लाह का करम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि आज भी जमाने में भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों की तादाद नाकाबिले गिनती है। हमारे शहर हैदराबाद परफिंदा बुनियाद का यह जुलूस इस बात का सबूत है और यकीनन होना भी चाहिए कि इसलिए अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेज कर हम पर एहसान फरमाया है। इस तरह जो कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने बड़ी से बड़ी नेमत हमको अता फरमाई लेकिन किसी नेमत पर एहसान का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं फरमाया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस उनकी विलादत पाक के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने एहसान जतलाया है। वैसे रसूल करीम यकीनन मोमिनीन और मोमिनात मुस्लिमीन और मुस्लिमात पर एहसान अज़ीम अल्लाह तबारक व तआला का। आपकी आमद दरअसल इंसानियत की तालीम के लिए दूसरे अकवाम के लिए और मुसलमानों के लिए जहाँ इंसानियत की तालीम है वहीं साथ के साथ अल्लाह रसूल से जुड़े रहने की भी तालीम रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। जब आप अपने मरकज से जुड़े रहेंगे मरकज से अपने आप को वाकिफ नहीं रखेंगे तो उस वक्त आप अपनी जिंदगी में पहाड़ें देखेंगे, दुनिया में खुशियाँ नसीब होंगी, तरक्कियाँ आता होंगी और आखिरत में अल्लाह ताला आपकी नस्बतों के तुफल से आपको नजात अता फरमा देगा। अल्लाह ताला हमारे स्कूलों से मोहब्बत को कायम दायम रखे और हमेशा हमेशा हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारते रहें। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम फरमाए, हिदायत अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप तमाम हजरात का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो आज आपने इस मिलाद पाक के जुलूस को जो मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी ने मुनक़िद किया था उस जुलूस को अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कामयाब बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक बहुत बड़ी इस साल ये बड़ी मशक्क़तों के बाद में बड़ी कोशिशों के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज आज 15 रबीउल अव्वल को मक्का मस्जिद के दामन से अल्हम्दुलिल्लाह तंदूर मशाय
हजरत मोहम्मद बादशाह जरीनकुला ने झंडी बताकर जुलूस का आगाज किया। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि सरों का समंदर जो इसकी दवाई देता है कि हमने अमन का पैगाम का आम किया और ये अमन का पैगाम इंशाल्लाह अजीज आज 5 बजे तक वाल्टा होटल पर ये तकमील पाएगा। इंशाल्लाह आप तमाम से बहुत बहुत शिरकत की फिर एक बार मैं ख्वाहिश करता हूँ और नौजवानों से बारहा ये अपील करता हूँ। रात देर रात मैं रास्ता पर मौजूद था, बारहा हमारी कम्युनिटी ये हर जगह आप तमाम से अपील कर रहे हैं कि ये स्टंट्स वगैरह ये गाड़ियों का खेलकूद ना करें, अदब का मुजाहरा करते हुए आखा के इस जुलूस को कामयाब बनाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।